सो गाइज, अभी तक मैंने ये जो है ना ये ड्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको उतारा नहीं है। ड्राई तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन ना फातिमा जो हंसी है ना वो इस रूम में आके सो गई है कब की। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसके साथ एक प्रैंक कर लूँ और क्यों ना मैं इसको डराऊँ। तो मैंने सब कुछ सेटिंग वेटिंग कर ली है, बेहोश है बिल्कुल, इसको होश नहीं है अभी। तो सबसे पहले इसका मोबाइल पकड़ लेंगे ना, कि वो कोई मोबाइल से वीडियो ना बना ले मेरी। तो अब चलते हैं, और इसको शक भी ना पड़े कि जो कैमरा है ना वो सेट हुआ हुआ है, मूवी बन रही है। इसको ऐसे यही लगेगा कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ना रिव्यू शेयर कर रही हूँ। चलो चलते हैं, इसको डराते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फिंगर वैक्स तो मैंने सोचा कि क्यों ना फेस पे भी अप्लाई कर लूँ, क्योंकि फेस पे भी अप्लाई कर लेनी चाहिए। ट्राई करके देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आता है फेस पे। अभी हम थोड़ी सी लगाएंगे इसको। यहाँ पे मेरे बाल आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिकॉज क्योंकि रोशनी पड़ रही है ना रिंग लाइट की, लेकिन मुझे नज़र आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ है, यूनिक है, और लेकिन जो स्किन है ना यूनिक तो है, साफ भी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी स्किन का जो है ना ख्याल वो रखना ही पड़ता है। ये हमने इसकी पतली सी लहर बना ली है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, देखें। और आप लोगों ने इसको फिंगर की मदद से यूं ऐसे करके रिमूव कर लेनी है। क्योंकि मेरे बहुत जो है ना मतलब कि बहुत थोड़े बाल हैं, ज़्यादा नहीं है, तो छोटे छोटे से हैं, तो इस वजह से ना अच्छी तरह रिमूव नहीं हुए, लेकिन ये है कि स्किन साफ हो गई है मेरी, नीट हो गई है। तो ये करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, वैक्स जो है वो मैंने कर ली है, और मुझे अपना जो फेस है वो पहले से बहुत ज़्यादा नीट लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लगे हाथ थोड़ी सी जो है वो अपनी जो आईब्रोज की है वो भी शेप बना लूँ। तो मेरे जो इतने ज़्यादा बाल नहीं आते, तो बस जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े हल्के हल्के बाल है ना, तो वो मैं ट्यूज़र की मदद से ही इसको रिमूव कर लूँगी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा लाइट बाल है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े से जो इधर से बस यहाँ से ही मेरी शेप बनने वाली है, यहाँ से नहीं मैं छेड़ती, क्योंकि मुझे इतनी आईब्रोज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रीक नहीं पसंद। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे स्टूडेंट स्टूडेंट की तरह जो होती है ना, आप कहेंगे स्टूडेंट आईब्रो कैसी होती है, मतलब कि बिल्कुल इनोसेंट लुक लगे। इस वजह से ना तो मैं सिर्फ ये दो तीन बाल है यहाँ पे रिमूव करती हूँ, फिर आगे से मिलती हूँ। और व्यूवर्स, यहाँ पे तो मैंने वैक्स कर ली थी फेस की, और आईब्रोज जो सी है वो शेप ना ख़राब हो जाए, तो फिर मैंने कहा मैं पॉलर से ही करवा लूँगी, तो इसलिए मैंने खुद छेड़ी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे ख़राब ना हो जाए। एनीवेज, और ये रिवाज वालों का यूके का ब्लैक मास वाइटिंग है, जो मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू देना था। तो मैं ये खुद जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, रिवाज वालों का है ये। और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की गई है, इसके बहुत बहुत यूट्यूबर ने इसके बारे में बताया होगा आप लोगों को। और रिवाज वालों की तो हर चीज़ ही अच्छी होती है, और इनका जो ब्लश ऑन है वो भी मैं लेके आई थी, कहाँ गया ये, ठीक है, ये है रिवाज वालों का जो है ये ब्लश ऑन है, सिंगल ब्लश है। ये बहुत मज़े का, बड़ा यमी है, बहुत अच्छा लगा था, कल मैं लगा के जिम गई थी। ये भी आपको किसी दिन प्रॉपर मेकअप करके ना तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है।
और इसके अलावा अब हम लोग अपने फेस पे ये अप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने टक लगाया हुआ है, मैं भी सीजर के साथ लगी हुई हूँ, तो ये देखिए उन्होंने टक लगाया हुआ है। इसको आपने टक को ना कट को लगाया हुआ उन्होंने ये कट, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको यहाँ से ना बट क्या टक कट क्या बोल रही हूँ मैं, एनीवेज तो यहाँ से हम लोगों ने इसको यहाँ से निकाल लें, इधर से बस इतना ही आप लोग कर लें और फिर आप लोगों ने इसको निकाल लेना है साशी के अंदर से। ये देखिए निकला है, और इसको आपने अपने मास्क की तरह ना अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो पहले तो मुझे, मैंने उनको बोला था कि मुझे सिर्फ रिवाज वालों का नोज वाला चाहिए मास्क, तो उन्होंने कहा ये आप फुल यूज़ करें और आप लोग आप ये फुल मास्क यूज़ करें और आप हमें दुआएं देंगी कि हमने आपको कितना ज़बरदस्त ब्लैक मास्क जो है वो आप उनको आपको हमने दिया है। अब जिसने अपनी चीज़ें जो है वो परचेज करनी होती हैं तो वो तरीके तो करता ही है ना, लेकिन देखते हैं अब इसके रिजल्ट लगा के कैसे हैं। अपने फेस पे अब ये अप्लाई कर लेते हैं, और मुझे पड़ी थी आवाज, भूतनी लग रही हूँ, भूतनी मूवी बना रही हूँ। और आप लोग सुनाएं गर्मी के हाल चाल, ये मुझे लगता है कि एक ही है, ये सिर्फ मेरे फेस पे ही लगेगा, लेकिन मुझे इतना ज्यादा नहीं लगाना। सारा अब अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता अब ये शहर ड्राई ना हो जाए तो मुझे ये सारा जितनी भी खाली जगह है ना सब पे ये अप्लाई करना पड़ेगा अपने फेस की। मेरा फेस तो वैसे छोटा हो गया है, चूजू सा हो गया है मेरा फेस, तो मैं समझी थी ये दो फेसेस के लिए है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सिर्फ मेरे ही फेस में पूरा आएगा। स्मेल ऑसम, स्मेल इतनी अच्छी आ रही है। आई नो कि आपको मैं भूतनी लग रही हूँ, वीडियो बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। वैसे भी आजकल व्यूज इतने कम आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे आपको बड़ी हाई लेवल की ना देनी पड़ेगी वीडियो, ताकि मुझे व्यूज अच्छे अच्छे आए, खुद से आए, मुझे खुद कहना ना पड़े। फ्लॉप कर रहे हो आप अपनी बहन को, फ्लॉप। लेकिन आप लोग जब हो तो फिर तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग हो ना मुझे हिट करने के लिए, फेमस करने के लिए, तो फिर जितनी जल्दी आप मुझे फेमस करोगे ना फिर मैं आपके साथ एक मीटअप रखूंगी और फिर हम सारे फैन से मुलाकात करूंगी इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक मीटअप रखा जाएगा और आप लोगों के साथ मुलाकात भी की जाएगी, फिर आप लोग मुझसे राजी हो गए ना, फिर तो आप लोग कहोगे ना कि बिया मिलती है भाई। अच्छा, और इसके अलावा मुझे आप लोगों को ये बताना था कि बड़ी ईद आ रही है। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी ईद आ रही है ना, मतलब कि साल कैसे गुजरा है पता ही नहीं चला, 2024 किस तरह गुजर रहा है फास्ट। व्यूवर्स, वो ब्लैक मास्क जो है वो अप्लाई हो चुके हैं, और आई नो कि आप लोग इस टाइम मुझे कैमरे में देख के डर गए होंगे, और मुझे लग रहा है कि मुझे अपने घर वालों के साथ भी प्रैंक करना चाहिए और इसी तरह मुझे मास्क लगा के ना उनको डराना चाहिए। तो अभी तो दिन का टाइम है, तो अभी तो ये प्रैंक जो उनसे है वो मेरा कामयाब नहीं होगा, जब ये सो रहे होंगे ना तब मैं ऐसी बन के आऊँगी ना इनके सामने, तो मैंने सारे इनसे बदले जो उनसे ना चुकवा देने अपने, मतलब कि ना इन्होंने जो जो मैं कहीं भी इन्होंने जो जहाँ जहाँ इन्होंने मुझे डराया ना आज मैं इनको भूतनी बन के डराने वाली हूँ। तो फिलहाल तो ये जो है ना ये हम लोगों का ये भी मास्क ड्राई नहीं हुआ, तो मैं रात को अभी इसके अंदर है तो रात को मैं ये ऐसा मेकअप करके ना मैं इनको रात को डराऊंगी भूतनी बन के, तो इनको भूतनी बन के मैं ऐसा डराऊंगी ना तो याद रखेंगे। फिलहाल तो कैमरे में मैं अपने आप को देख के पहचान बिल्कुल नहीं पा रही कि ये मैं हूँ। बहुत ज्यादा फनी लग रही हूँ, मुझे मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बिया हूँ, कोई और ही जिन बाबा नहीं होता।
वो लग रही हूँ। सो गाइस, मुझे भूख लग गई थी और मैंने खाना भी मंगवा लिया। दही ला के दे मुझे जान से मजी। सनी गाइस, ये मटन की जो टिक्की है ना, बहुत मजे की बनी हुई है। आई लव इट, बहुत मजे की है। टीवी की बात आहिस्ता कर लो, हर टाइम टीवी लगाते रहते हो, स्नैपचैट वीडियो बना रही हूँ। व्यूअर्स, ये मास्क जो है वो अप्लाई हो चुका है मेरे फेस पे। तो गाइस, अब मैं इसको डराती हूँ, देखते हैं इसका रिएक्शन क्या है। आपको लाइव रिएक्शन मिलने वाला है। कहीं इसको शक तो नहीं पड़ गया? आप लोग इसका रिएक्शन देती हूँ। इसका कोई असर ही नहीं हो रहा। बेटी इसका कुछ असर ही नहीं हो रहा गाइस, भीड़ बन गई है ये। कहीं मेरा प्रैंक जाया ना हो जाए, इतनी मेहनत की है मैंने। क्या है छोटा डॉन? छोटा डॉन तो नहीं हूँ। क्या ना कर लिया तो रिएक्शन तुम्हारा बड़ा डरावना है, जैसे तुम उठी हो। क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हूँ। अरे, इस वक्त तो तुम बोलने के काबिल नहीं रही क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं मेरे फेस पे। तो कैसा लगा आपको, आपके साथ मेरा प्रैंक किया, डर लगा? डर लगा? मैंने कहा ये नन मूवी की चुड़ैल कहाँ से आ गई है यार, मैं अस्तगफिरुल्लाह। सोई हुई थी, तुमने क्यों उठाया मुझे? मैं तुमने तुमने मुझे एक दफा डराया था ना, मैंने उस चीज का बदला लिया ये तुमसे। तुम बनी क्यों हो? मैंने ब्लैक मास्क लगाया हुआ है, कोई पाउडर शोडर लगाया, मैं फिर भी इतनी डरावनी पता नहीं क्यों लग रही हूँ। मैं उतारने लगी हूँ ये गाइस, बहुत डरावनी लग रही हूँ, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मुझे इससे तरह के, इससे पहले कि ये उतारूं। ये बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है मेरे फेस पे, और आपने इसको जहां से ये उतर होगा ना, वहां से ही आपने इसको उतारना है, ऑपोजिट साइड से। भाई दर्द हो रही है। अच्छी खासी मैं नींद में थी को तुम तो और नहीं बिया तुम यहाँ सो बीमार व्यूवर्स, थी। जिम जाने से पहले मैंने कहा थोड़ी सी ताकत बना ली जाए, ठंडा दिल ठंडा। भी बुरी लग रही है। बहुत मजे की है, साथ साथ शेक पीते हैं, साथ साथ ये रिमूव करते हैं। ये क्या हो रहा है? आओ गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने प्रैंक किया, और आप लोगों को मेरा प्रैंक वैसे ही बहुत पसंद आता है, तो इसको उतारते हैं अपने फेस से। आई आप लोगों के सामने करना पड़ता है, जो भी करती हूँ मैं आप लोगों के सामने करती हूँ।
ताकि आप लोगों को तसल्ली हो। इसने कौन सा ब्लीच कर लेना तुम। गाइस मुझसे ब्लैक मास्क मांग रही है, तो मैंने उसको कहा सिर्फ ये वन फेस के लिए था, तुम ब्लीच कर लेना। ब्लीच का भी तो रिव्यू देना है, $24 गोल्ड ब्लीच का भी रिव्यू देना। मुझे भी तो, मैंने भी लगाना। वो पड़ा हुआ है दूसरा ट्यूब वाला, वो लगा लो। ये बहुत अच्छा था वैसे, बहुत अच्छा था। सो गाइस अपनी वीडियो यहाँ से इतनी लंबी नहीं करते, तो बहुत अच्छा था इसका रिज़ल्ट, बहुत अच्छा था। और मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हैंड थे, वाइट हैंड भी थे लेकिन ब्लैक हैंड ज़्यादा थे, तो सारे अच्छी तरीके से रिमूव हो चुके हैं। इसकी जो ग्रिप है ना वो बहुत अच्छी थी, देखिए जो मतलब कि ऐसा पता लगा कि फेस पे कुछ हुआ है। वो दूसरा जो टूवल है ना उसकी ग्रिप नहीं अच्छी, इसकी ग्रिप अच्छी है। तो ये इतनी उतर भी, जब तब भी तकलीफ हो रही है। अल्लाह प्यारा लग रहा, कितना मुश्किल है यार। सो गाइज अपनी वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड। और आपसे अगर आप लोगों को मेरा प्रैंक अच्छा लगा तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं इस तरह के ही छोटे मोटे जो प्रैंक हैं वो आप लोगों के साथ करती रहूँ। तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। और अपनी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब नींद आ रही है, खुद को भी अब नींद आना शुरू हो गई है। तो अब जल्दी से अपनी नींद जो है वो पूरी करते हैं और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करते हैं कि नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या प्लान करने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड और मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।